और कई साल इसको काम नहीं दे रहे, दो लाइन में पानी करता है, ऊपर से पानी छत है ना, छत बिल्कुल दो लाइन का बीच है। रोड से ऊपर हूँ, हाँ रोड से ऊपर रहेगी साहब, ये पाइप दिख रहा है साहब, इसका परिकर इतना रहेगा, थोड़ा ऊंचा लेना पड़ेगा जैसे 284 है ना, हाँ उसमें अपने मिनिमम जो है 12 महीने से नहीं। आपके वहाँ बात हुई थी जालौर में, ऐसी सब आए थे, उन्होंने कहा 9 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। नहीं हम आपको आप जो टाइम दोगे उसमें कर लेंगे, आप तो जो मिनिमम होता है वो टाइम दो, जल्दी जल्दी हम लोग बेनिफिट मिले, हमने मिनिमम दिया। नेक्स्ट सेशन में शुरू हो जाए, कहने का मतलब बिल्कुल कर देंगे, नेक्स्ट सेशन किस स्कूल चल नहीं रही है, स्कूल बंद है, तो बैठे स्कूल में करीब 2500 में और बहुत तेज है और शहर के अंदर है, गेट अलग है, बड़े जगह दिखाई नहीं सकते कर दो आने वाले समय में। देखो कर रहे हैं आपका दौरा है बालिका जनजाति जो ये छात्रावास है, यहाँ का भी निरीक्षण किया, किस प्रकार के कहाँ कहाँ आपने निरीक्षण किया है और आगे इसको लेकर क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखो 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले उदयपुर संभाग में जनजाति बोर्ड बनाने की घोषणा की और उसके अनुरूप हम उदयपुर जोधपुर संभाग के अंदर ट्राइबल्स जितने हैं उनके लिए एजुकेशन और दूसरी जो TSP की योजनाएं उनसे जोड़ने की तैयारी में है। पहली बार अब आपके बीच में मैं आया हूं, यहां 50 जनजाति बालिकाओं का हॉस्टल बन रहा है जिसके लिए हमने 3 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए हैं और ये ज़मीन भी माननीय कलेक्टर ने अलॉट कर दिए और ये भवन साल भर तक बनने में टाइम लगेगा तो हम दूसरा भवन भी देखें कि इसी साल हम उन जनजाति बच्चियों को हॉस्टल प्रोवाइड कर सके तो दूसरा भवन भी देखने जा रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ के जितने जनजाति भाई हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब इस क्षेत्र के जनजाति भाइयों के लिए चिंतित हैं, सभी योजनाओं से इनसे जोड़ के इनको आगे लाभान्वित किया जाए। सर अभी आप एक गाँव का दौरा भी करके आए थे, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएँ दी या अधिकारियों को निर्देश वगैरह दिए? बिल्कुल वहाँ इस तरह से देखा है कि नरेगा जैसी योजना है, उस गांव में बच्चियाँ जो नहीं पढ़ने आती है उनको भी हमने मोटिवेट किया कि हम ये हॉस्टल खोल रहे हैं, आप उन बच्चियों को उस हॉस्टल तक भेजेंगे आने वाले समय में, और गांव के डेवलपमेंट के बारे में बात की, गांव के पानी के बारे में बात की और जहाँ जो जनजाति डाणियाँ हैं तो स्कूल से दूर हैं, कहीं कहीं ऐसी डाणियाँ जो स्कूल नहीं हैं उसके लिए ये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से के माध्यम से उसमें छोटे बच्चे जुड़े इस तरह की योजना ला करके उनको लाभान्वित किया। आज की इस जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में माननीय मुख्य महोदय जनजातीय क्षेत्र विकास श्री अर्जुन सिंह जी बहुमूल्य साहब का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत है। जिसमें बिक्री भी जनजाति के लोग रहते हैं, उनके रहन सहन, उनके विकास और उनके डेवलपमेंट के लिए सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या राज्य सरकार द्वारा योजनाएं प्रवर्तित की जा रही है और उनका रहेंगे और साथ ही मैं मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार इन योजनाओं को हम बैठक में इम्प्लीमेंट करें ताकि सभी को फायदा मिल सके। सर्वप्रथम मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि अगर हमने यहाँ पर व्यवहार ठीक
ज्ञापन दिया था जून 2020 और आयोग ने इस संबंध में हमने ये और उनकी अभी जर्जर स्थिति जैसा हमने पहले आपसे निर्णय किया था अधिकतर तो एमएलए एमपी कोटे से चली गई कोई टाटा माला कोई रिलीफ मिलती है इसलिए इसमें इसमें मूलभूत सुविधाओं की हमने जरूरत है ये सिवाना का मामला है मुंबई ना सिवाना में शराब दुकानदार है मदन सिंह क्या करता है कि इनके घर जाता है और अंदर घर में घुस के पूछता है शराब कहाँ है मेरा मराठे नहीं है तो लातों से इसको पीटा ओढ़ना फाड़ दिया कि इसके बाल तने ये जोरदार चिल्लाई तब इसके दो देवरे पटारा और बिस्नारा भी खड़े हुए ये दोनों आए इनको ही पीटा फिर उसके बाद में एक्साइज डिपार्टमेंट की पुलिस को बुलाया आपका टीम आई उसने घर में घुस के इनके सबको पीटा और फिर उसके बाद में जब इनको पीटा लाठी उसने सब घायल हो गए मंत्री महोदय घायल होने के बाद में पुलिस आई सिवाना से इनको तो हॉस्पिटल ले गई और आबकारी टीम गई थाने और इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर फिर हमने जब एस पी साहब से बात की ये रिपोर्ट इन्होंने दी वहाँ पर जो दर्ज नहीं की एस पी साहब से बात की तो एस पी ने एस पी से वेरिफिकेशन कराया वेरिफिकेशन करने के बाद में मुकदमा दर्ज किया तो टीम आबकारी और मदन सिंह और उसके साथ आगे साथ के खिलाफ होना चाहिए और मदन सिंह के खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार बोल भाई ये देखो ये बोलने सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब कंप्लीट है और ये बच्ची है दस साल की देखो इस बच्ची का पैर का डंडा मारा बेटा की बोल साहब ने बोल साहब ने कौन ठोकी सर आज मीटिंग ली थी मीटिंग में क्या था और किस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई बाड़मेर जिले में जनजाति विकास विभाग के द्वारा कई योजनाएं जनजाति भाइयों के लिए लागू हैं उसको लेकर जो योजनाएं सरकार द्वारा राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लागू की गई है वो आम जनता तक धरातल पर हम कैसे पहुंचाएं और उसके लिए हम जानकारी देने के लिए यहां तमाम जनप्रतिनिधि और समाज के वरिष्ठ लोग आए थे उनके बीच में इन योजनाओं की जानकारी थी और योजनाओं की जानकारी के साथ में इस एरिए में जनजाति भाइयों को हम कैसे शिक्षा से जोड़ें वो योजना बताई कैसे हम खेती से जोड़ें कैसे हम स्किल डेवलपमेंट से जोड़ें ये सारी योजनाओं को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी उसकी जानकारी दी और आने वाले समय में तमाम सरकार की सारी योजनाएं हम धरातल पर ला करके जनजाति भाइयों का विकास करेंगे।